अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में चिकन बोनलेस व्हाइट हांडी की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि चिकन बोनलेस व्हाइट हांडी बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मैंने 1 किलो जो है वो चिकन बोनलेस ले लिया है, और इसकी इतने साइज की जो है मैंने बोटी रखवाई है। 200 ml मैंने क्रीम यूज की है, आप किसी भी अच्छी कंपनी की यूज कर सकते हैं। कोकोनट पाउडर 2 खाने के चम्मच, अदरक गार्निश के लिए, काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच मैंने जीरा पाउडर इस्तेमाल किया, 1/2 चम्मच जो है मैंने सफेद मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है, साथ में मैंने 3 से 4 अदर जो है सब मिर्चें ले ली थी, जिसको इस तरीके से मैंने लंबा लंबा कट कर लिया था। इसके साथ हमने अदरक लहसुन की पेस्ट ली है 2 खाने के चम्मच। तो चलिए अब इसको हम बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक पैन ले लिया और पैन के अंदर मैंने तकरीबन 1 किलो जो है वो ऑयल इसके अंदर डाल दिया है। चूंकि हमने चिकन को पहले डीप फ्राई करना है, इसलिए हम घी या ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर अपना चिकन डालकर 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सारे चिकन को शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारा चिकन है वो घी में अच्छे से डिप है और फुली ये अच्छे से डीप फ्राई हो जाएगा। आपने भी इसी क्वांटिटी में जो है ऑयल का इस्तेमाल करना है। अब मैं साथ में क्या करूंगी, जो नमक को जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बस अभी मैंने जस्ट नमक ऐड किया है और मैं इसको अच्छे से हिला लूंगी। फ्लेम को यहाँ पर हमने तेज रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज्यादा चम्मच नहीं फेरना, बस वक्फे वक्फे से हमने इसमें चम्मच चलाना। ये देखें हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। अब मैं क्या करूँगी, जितना हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं सारा इसमें से निकालूंगी। ये मैंने बाउल ले लिया है, हमने सिर्फ इतना इसमें रखना है जिसमें ये अच्छे से हमारा पक जाए। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसमें से सारा ऑयल निकाल लिया है, जस्ट 2 से 3 जो है खाने के चम्मच ऑयल मैंने इसमें छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में मैं 1 कप के करीब जो है इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगी। तकरीबन अगर मैं आपको अंदाजे से बताऊं तो आपने 200 ml पानी का इस्तेमाल करना है। अब हमने आंच को जो है मीडियम कर दी है और मैं इसमें अब इसको पकाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात का और आपने ख्याल रखना है कि इसके बाद जो है आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, हमने इसी पानी को मेंटेन करते हुए अपनी व्हाइट हांडी को जो है पकाना है। 1 से 2 मिनट मैं इसको पकाऊंगी, फिर उसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। ये देखें भैया, इसे 1 से 2 मिनट जो है अदरक लहसुन के पानी में पकते हुए हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी पिसा हुआ सूखा धनिया, सफेद मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, और इसके साथ ही मैं क्या करूंगी, कोकोनट पाउडर भी शामिल कर दूंगी। अब इन करते हैं चीजों को अच्छे से मिक्स। याद रहे हमने पानी और नहीं डालना और बाकी के कोई मसाला और शामिल नहीं करना, बस इसको मजीद हम
पांच से छह मिनट पकाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब हमने इसको अच्छे से भून लिया है, अदरक लहसुन की स्मेल भी खत्म हो गई है। अब मैं इसके अंदर क्रीम शामिल करूंगी। ये देखें मैंने एक बाउल में जो है क्रीम निकाल ली है। इसी तरह मैं अब सारी क्रीम जो मैंने निकाली इसको अच्छे से हम और अब मैं इसको सालन के अंदर ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम जो है हम बिल्कुल दम वाला कर देंगे, बिल्कुल लाइट सा, और इसको हमने दो से तीन मिनट जस्ट पकाना है, ताकि जैसे ही इसके ऊपर ऑयल आएगा तो हम फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखें अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको तब तक पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, लाइट, जैसे इसके ऊपर ऑयल आएगा हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम इसमें काली मिर्च बिल्कुल लास्ट पे हम ऐड कर रहे हैं, और साथ में जो हमने हरी मिर्च काटी थी वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, और कुछ हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो डिश है वो पक्का बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। अब ये मैंने मट्टी की एक हांडी ली है, उसके अंदर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको मट्टी की जो छोटी हांडी होती है उसमें हमने इसको सर्व कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, हल्का सा अदरक जो है इसके ऊपर डालकर इसको गार्निश कर लेंगे, और साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो सेंटर में रख देंगे। अगर आप मजीद चाहें तो इसके अंदर सब्ज मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपी इसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।